नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप आज हम बात करने वाले हैं हम जो कॉल डिटेल्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि उनकी कॉल डिटेल एक्सेस की गई है रिपब्लिक टीवी के द्वारा और भी चैनल्स के द्वारा। तो देखिए, फादर को उन्होंने अगर 890 बार कॉल किया है 890 times, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। और दूसरी चीज़ है, उनके ब्रदर को उन्होंने 230 बार कॉल किया है तो भी कोई परेशानी नहीं है। पर हाँ, ड्यूरेशन ऑफ कॉल जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पर, कि वो किस समय उन्होंने कॉल किए हैं, जब वो सुशांत सिंह जी के साथ थी और उन्हीं के साथ रह कर उनको मतलब उनकी उनके ध्यान में नहीं था, या सुशांत सिंह जी को पता नहीं था कि उनको कॉल किए जा रहे हैं, कितने कॉल किए गए, किस किस ड्यूरेशन पे कॉल किए गए और ये ड्यूरेशन क्या मनी ट्रांसफ़र के आसपास किए गए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात जो ये है, एक तो श्रुति मोदी जो उनकी मैनेजर है उनको भी उन्होंने 808 बार कॉल किए, और दूसरी चीज़ जो महेश भट्ट को उन्होंने 16 बार कॉल किए, ठीक है। अब मैंने आपसे फिर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पर किए और कितने ड्यूरेशन के लिए कहे, ये बहुत यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो सिद्धार्थ पिठानी जो पहले कह रहे थे कि उनका रिया से कोई लेना देना नहीं है, वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, इन्होंने तो वो कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा भी वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उनको प्राइवेसी देते हैं पूरी, और इसके बावजूद भी सिद्धार्थ पिठानी को 200 बार कॉल किए गए। और मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों में उन्हें कई बार कॉल किए गए हैं, तो ये अपने आप में एक शक जताता है। और रिया का कहना था कि लगातार 8 से लेकर 14 तारीख तक जब वो छोड़ के आई थी तो सुशांत जी उन्हें नंबर ऑफ़ कॉल्स कर रहे थे, उन्हें बार बार मिस कॉल कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, पर कॉल रिकॉर्ड के एक्सेस होने के बाद ये पता चल गया कि उन्होंने उनको यानी कि सुशांत जी ने रिया को कोई भी कॉल नहीं किया है। तो इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया? अब इस झूठ से देखिए, एक भी झूठ पूरी ट्रेल में एक भी झूठ अगर पकड़ा जाता है तो वो सब कुछ साबित कर देता है, ये सबसे बड़ी बात है। और सिद्धार्थ पिठानी जी को तो आप जानते ही हैं, जिनके अकॉर्डिंग सुशांत की हाइट 5'8" है, उनको ये भी नहीं पता वो 6 महीने तक रहे उनके साथ कि सुशांत की हाइट क्या है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है आप ज़रूर बताइएगा। और ये कॉल डिटेल्स मैं आपको फिर बता दूं, खाली कॉल डिटेल्स पता लगने से कुछ नहीं होता, उनकी टाइमिंग किस किस टाइम पे किए गए, कितने ड्यूरेशन के लिए किए गए, और उनका लिंक हम दूसरे जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या जो ट्रांसफ़र जिस दिन हुए अगर उसके बीच में कहीं ना कहीं ये कॉल ड्यूरेशंस हैं। और कुछ कॉल ड्यूरेशन तो डायरेक्टली देखे लिंक है, जैसा कि रिया ने कहा कि सुशांत ने उनको 8 तारीख के बाद लगातार कॉल किए जो कि एक भी कॉल नहीं हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ साबित हो गया। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी का जो कॉल उनको करना है और उनका कॉल सिद्धार्थ पिठानी को करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संदिग्धता है। बाकी फादर और ब्रदर और श्रुति मोदी के कॉल्स की टाइमिंग्स देखना, ड्यूरेशन देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।